और बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा। तो यूपी में बुलडोजर कार्रवाई रोकने की याचिका पर जवाब दिया है, कानून के नियमों के तहत चल रहा है बुलडोजर, गलत नियत से दूसरा रंग देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो यूपी सरकार की तरफ से ये हलफनामा यहां पर दायर किया गया, याचिका का जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग। जमीयत की याचिका अत्यंत भ्रामक और गलत, कोई भी प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, एक तरफा मीडिया रिपोर्ट के आधार पर याचिका मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दाखिल की थी और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, हलफनामे में बहुत बड़ी बातें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई हैं। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि ये याचिका गलत मंशा से दाखिल की गई है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, अगर कोई प्रभावित था अभी तो उसे हाईकोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन जिस मंशा से ये दाखिल की गई याचिका उस पर सवाल उठाए गए और इसे जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की गई। मुख्य बिंदु हम आपको बता देते हैं जो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने रखे हैं। उनका कहना है कि जब खुद अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों ने, जो कि कानपुर के बिल्डर बताए गए थे, उन्होंने एफिडेविट पर अपनी गलती मानी हुई है, तो जमीयत की याचिका में दिए गए जो तथ्य हैं वो उससे संबंधित पूरी तरह भ्रामक और गलत हैं। कोई भी प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, एक तरफा जो मीडिया रिपोर्ट है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को लेकर जवाब मांगा गया था उत्तर प्रदेश सरकार से और वो जवाब भी दिया गया है। नियमों के तहत बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, पहले नोटिस भी दिया गया था, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अवनीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।